जब दिल चाहे डिलीशियस डिश तो सर्च करें माय किचन माय डिश। माय किचन माय डिश इज ओपन, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। हेलो एंड वेलकम टू माय किचन माय डिश। दोस्तों आज मैं आपको स्प्रिंग रोल की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे इसकी शीट्स बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंद कर रेडी करना है। तो मैं इस कप से मैं 2 कप मैदा ले लेती हूँ। 2 कप मैदा ले लिया इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला और इसके अंदर थोड़ा सा नमक, 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे। 2 कप आटे का मतलब 350 ग्राम आटा नहीं सॉरी मैं। और इस ऑयल और नमक को इस मैदे में इस तरीके से मसल कर मिक्स करेंगे। इसे इसी तरीके से 2 हथेलियों के बीच में मसलना चाहिए, इससे आटे का टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। गूंधे हुए आटे का मीन्स गूंधे हुए मैदे का टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। तो इसे 2-3 मिनट तक इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करना है ताकि वो ऑयल और नमक मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसे हम 1 कप गुनगुने पानी के साथ में गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाएंगे और इसे अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। ये देखिए हमारा आटा गूंद के तैयार है। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखेंगे तो ये अच्छी तरीके से फर्मेंट हो जाएगा। ये देखिए हमारा आटा अच्छी तरीके से फर्मेंट हो गया। 10 मिनट के बाद मैंने ये 2 छोटी छोटी लोइयाँ बनाई हैं और यही लोइयाँ मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। ऐसी छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है, बड़ी लोइयाँ नहीं बनानी है। इस साइज़ की छोटी छोटी पूरी के साइज़ की रोटियाँ बनानी है, पूरी के साइज़ की बिल्कुल गोल गोल चिकनी चिकनी लोइयाँ बनानी है। ये देखिए मेरी इस उंगली के हिसाब से इस साइज़ की, और इसी तरीके से मैं सारी लोइयाँ बनाकर कंप्लीट कर दूँगी। देखिए ये सारी लोइयाँ मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली। करीब 18 लोइयाँ बनी हैं इतने आटे में। अब इन लोइयों को ऐसे अपने रोलिंग सरफेस के ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगाकर फ्लैट करेंगे और छोटी छोटी पूरियाँ बेल लेंगे इनकी। ऐसे पूरी के साइज़ की शीट्स बेल लेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है शीट। वैसे तो मार्केट में रेडी शीट्स मिलती हैं, उन्हें भी यूज़ किया जा सकता है और उससे भी स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए मैं आपको घर में बनाने का तरीका बता रही हूँ शीट्स का। कई बार शीट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो देखिए 1 रोटी के ऊपर मैंने थोड़ा सा 1/2 चाय का चम्मच ऑयल डाला, उसको पूरी रोटी के ऊपर स्प्रेड किया, इवेंली फैलाया, उसके ऊपर दूसरी रोटी रखी और उस दूसरी रोटी के ऊपर फिर से ऑयल लगाया और उसके ऊपर मैं तीसरी रोटी। इस तरीके से करते हुए मैं 6 रोटियों को एक के ऊपर एक रखूँगी, लेकिन सबसे ऊपर जो रोटी रहेगी उसके ऊपर ऑयल नहीं लगाऊँगी। इस तरीके से ऑयल को अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है, क्योंकि ये ऑयल ही इन रोटियों को जब हम पकाएंगे तो एक एक शीट को अलग करेगा ये ऑयल। तो इसलिए उस ऑयल को बड़े ध्यान से लगाना है ताकि कहीं पे भी बाकी नहीं रह जाए। देखिए इस तरह ऑयल को इवनली फैलाना है, चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, मैं तो अपनी उंगलियों से ही लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर ये भी रोटी रख दी हमने और इसे अच्छी तरीके से दबा देंगे। इसी तरीके से 6 रोटियों को एक के ऊपर एक फिर से एक शीट तैयार करेंगे और इस तरीके से 6-6 रोटियों को एक के ऊपर एक बीच बीच में ऑयल लगाकर एक के ऊपर एक जमाएंगे और उससे ये शीट्स बहुत ज़बरदस्त शीट्स बनके तैयार होती हैं। इन शीट्स को आप 2-3 महीने तक फ्रीज में रख सकते हैं और जब चाहें तब यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये है, मैंने 3 18 लोइयाँ थी तो मैंने ये 3 बंच रेडी किए हैं। अब इन्हें मैं बेलूंगी। ऊपर भी सूखा आटा लगाया मैंने, नीचे भी सूखा आटा लगाया और मैं अब इसे हल्के हाथों से बेलेंगे।
ज़्यादा दबा कर नहीं बेलेंगे, नहीं तो वो कहीं पे ज़्यादा ज़ोर से चिपक जाएगा और कहीं पे खुला रह जाएगा। इसलिए हल्के हाथों से इवनली बेलेंगे और सब तरफ बराबर से बेलेंगे, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं बेलेंगे। इसे बड़ी सी रोटी के बराबर बेलेंगे, क्योंकि अब ये मोटा सा हो गया है। 6 लोइयाँ कि छोटी छोटी पूरियाँ बेल के और बीच बीच में ऑयल लगा के हमने एक के ऊपर एक लगा कर इतना बड़ा रोटी का बंच तैयार किया। अब मैं इसे डोसा तवा गरम करके उसके ऊपर इसे सेकूंगी। इसे बिल्कुल पकाना नहीं है कि ब्राउन चित्तियाँ ला के उसको पकाना है, ऐसा नहीं करना है। उसे गरम तवे के ऊपर रख कर हल्का सेकना है। जब हम इसे हल्का सेकना स्टार्ट करेंगे तो ये एक एक परतें खुलने लगेंगी। तो ये देखिए मैंने पहली परत निकाल ली। अब इसे फिर से पलट देंगे और अभी इस साइड की एक परत निकालेंगे। अभी इस तरफ की एक परत निकाल ली हमने, अभी फिर से पलट देंगे इसे। इसे फिर से पलट देंगे और फिर दूसरी तरफ से फिर से एक परत निकालेंगे। और इसी मेथड को हर बार हम रिपीट करेंगे तो वो सारे 18 शीट्स निकल आएंगी। हमने 18 लोइयों की 18 पूरियां बेल के उन्हें इस तरीके से बंच बनाकर बड़ी सी रोटी बेलकर तवे पे सेका है और इसमें से एक एक रोटी में से 6-6 लोई के 6-6 शीट्स निकल जाएंगी। पतली पतली ट्रांसपेरेंट शीट्स निकलेंगी और वो फटी हुई भी नहीं होंगी। देखिए ये एक साइंस है। ये देखिए ये देखिए, अभी फिर पलट देंगे और फिर दूसरी साइड से निकालेंगे। तो जो साइड तवे के ऊपर रहता है उस साइड की पूरी हम निकालते जाएंगे, वो एक शीट बनकर निकल आएगी। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस मेथड का इसके अंदर, ये चीज़ बहुत ध्यान से देखें आप। और अब ये देखिए ये 6 शीट एक बार में बन के तैयार हो गई। ये देखिए, और ये बाकी की भी हमने बना ली इसी तरीके से सेक कर, सारी शीट्स अलग अलग कर ली और ये 18 शीट बन के हमारे हाथ में तैयार हो गई हैं। ये देखिए मेरे हाथ में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनी है ये शीट्स, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है। इतनी छोटी छोटी लोइयों की इतनी पतली पतली शीट्स बनी हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें इस तरीके से एक के ऊपर एक 6 पूरियों को रखकर बनाया गया है। हमने छोटी छोटी लोइयाँ बनाई थी इसलिए छोटी पूरियाँ बनी हैं, इसे काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने बहुत बड़ी बनाई होती तो उसे हम इस तरीके से 4 पीस में कट करते, इनसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसा हमने अभी आपको दिखाया फोल्ड करने का तरीका। अब मैं आपको इसकी फिलिंग बनाना बताऊँगी। फिलिंग बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम चिकन लिया है और उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस कटवा दिए हैं, क्यूब्स कटवा दिए हैं, बहुत छोटे छोटे क्यूब्स, मतलब आधा इंच से भी बहुत छोटे। और उसके लिए ये लिए हैं हमने ये नूडल्स, टूटे हुए 1 इंच के ब्रोकन नूडल्स लिए हैं और उन्हें गर्म पानी में भिगो कर रख दिया है। ये 1 कप है, पहले से इसे भिगो कर रखा है तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ये काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च कटी हुई, शेजवान चटनी 2 टेबल स्पून और सोया सॉस 2 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, नमक स्वादानुसार। और ये सब्जियां हैं, ये पत्ता गोभी है बारीक लंबे जूलियंस की शेप में, इन्हें ऐसे काटा है, ऐसे काटा है इन्हें, बहुत लंबे नहीं रखे हैं, एक एक 1.5-1.5 इंच के रखे हैं जूलियन। और ये भी 1.5-1.5 इंच के जूलियंस काटे हैं गाजर के। ये शिमला मिर्च भी ऐसे ही बारीक लंबी लंबी काटी है और टमाटर के छोटे छोटे क्यूब्स काटे हैं। अब मैंने पैन को गरम कर लिया है। पैन में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट को भून लेंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट को इसमें भून लेंगे। इसमें आप चाहें तो जितनी चाहें उतनी सब्जियां डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं। आज स्प्रिंग अनियन नहीं मिले हैं तो इसलिए हम नहीं डाल सके हैं, वेंडर्स की सब वेजिटेबल वेंडर्स की स्ट्राइक है आज, तो इसलिए हमने नहीं डाल रहे हैं। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भून गया। अब इसके अंदर हमने इस चिकन के बारीक क्यूब्स को डाल दिया है और उसके साथ में इसमें नमक स्वादानुसार ऐड कर दिया है। और अब इस चिकन को लहसुन के साथ में भून लेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ में भून लेंगे। चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं, हमने प्याज नहीं ऐड की है, हम हरी प्याज डालने वाले थे वो मिली नहीं। अब इसके अंदर टमाटर डालेंगे, टमाटर के क्यूब्स के साथ में इसको भूनेंगे। जैसे ही टमाटर का मॉइस्चर सूख जाएगा इसके अंदर हम बाकी दूसरी सब्जियां, इसे ऐसे जल्दी जल्दी हिलाते हुए
भुनेंगे। अब इसके अंदर टमाटर का मॉइस्चर भुन गया, अब हमने इसके अंदर शेज़वान चटनी मिक्स कर दी और सोया सॉस को भी मिक्स कर दिया। अब ये चिकन जो है सोया सॉस और शेज़वान चटनी और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ में, नमक के साथ में पक रहा है। आराम से हिलाते हुए पकाना है कि वो एक ही जगह पे जले नहीं, और ध्यान से पकाना है। थोड़ी देर ढक देंगे जिससे कि वो चिकन अच्छी तरीके से पक जाएगा। अब इसके अंदर हम ये शिमला मिर्च और गाजर ऐड करेंगे। गाजर को पकने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए हमने गाजर को डाल दिया और उसके अंदर ऐड कर दी हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 4-5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसे अच्छे से हिलाते हुए पकाना है, चाहे तो टॉस करके भी पका सकते हैं इसे। इसे भी थोड़ी देर ढकेंगे, 1 से 2 मिनट। ढकने से पहले इसके अंदर हम जो ये हमने नूडल्स भिगोए थे इन्हें भी मिला दिया। आप चाहे तो लंबे नूडल्स भी ले सकते हैं, उन्हें तोड़ कर डाल सकते हैं। हमने ये मार्केट से तैयार 1 इंच के टुकड़ों में नूडल्स लिए हैं। इन नूडल्स को भी पकने के लिए टाइम लगेगा, तो इसलिए अब हमने इसमें इसे मिलाकर 2-3 मिनट 4 मिनट तक ढक कर पकाएंगे। उसमें वो गाजर भी गल जाएगी और नूडल्स भी अच्छी तरीके से नरम हो जाएंगे। अब ये नूडल्स और गाजर पक गए तो हमने सबसे लास्ट में इसके अंदर पत्ता गोभी को डाला है, क्योंकि पत्ता गोभी को बिल्कुल गलाना नहीं है। उसका थोड़ा कच्चापन भी दूर हो जाना चाहिए और उसका कुरकुरापन उसमें बना रहना चाहिए। तो स्प्रिंग अनियन के फिलिंग को बनाने में ये ख़ास बात होती है कि उसके अंदर सब्जियों का कुरकुरापन थोड़ा बना रहना चाहिए। ये देखिए मेरी सब्जियां बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। चिकन तो बहुत छोटे पीसेस थे तो वो पकने में टाइम ही नहीं लगा, जल्दी से पक गए और अब ये सब्जियां बनके तैयार हैं। मैंने गैस ऑफ कर दिया है, अभी थोड़ी देर इसे ढक देंगे। अब मैं इस ये स्प्रिंग रोल्स को चिपकाने के लिए मैदा और पानी मिलाकर ये लेई तैयार कर ली है। मैंने 1/2 कप मैदा लिया है और 1/2 कप ही पानी भी डाला है। अब इसके ये मैंने एक शीट ले ली। मैं इस शीट को कट नहीं करूँगी, राउंड में ही बनाऊँगी। अगर बड़ी शीट्स बनाती तो मैं उसे कट करती 4 पीसेस में, लेकिन मैंने छोटे शीट्स बनाए हैं इसलिए मुझे काटना नहीं है। इसके अंदर फिलिंग डालेंगे, 2 चम्मच फिलिंग मैंने डाल दी, 2 चम्मच चाय के चम्मच से और 1 टेबल स्पून भर के फिलिंग मैंने ऐसे साइड में रखेंगे और ये इधर से उठाकर ऐसे फोल्ड करेंगे और ये दूसरी साइड से भी ऐसे फोल्ड करेंगे और अब ये तीसरी साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे ऐसे रोल करके इसे रोल बना देंगे। अब इसे स्टिक करने के लिए ये मैदे का लेई लगा देंगे। हम ब्रश से लगा रहे हैं, आप भी ब्रश से भी लगा सकते हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं। ब्रश से लगाने में मैस नहीं होता है, हाथ ख़राब नहीं होते और बड़ी सफाई से काम होता है। अब ये देखिए ये रोल का मुंह पूरी तरीके से बंद हो चुका है और उसे इसी तरीके से मैं दूसरा भी बनाऊंगी। रोल के मुंह के ऊपर ये लेई लगाने का मकसद ये है कि वो पूरी तरीके से सील हो जाए और फ्राई करते टाइम पर ऑयल उसके अंदर ना जाए, क्योंकि इसे डीप फ्राई करना है। ऑयल मैंने कढ़ाई में गरम कर लिया है, मैंने मेरे सारे स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इस ऑयल को चेक करूँगी कि यह गरम हुआ कि नहीं, ऐसे चेक करूँगी। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे, बहुत पतली शीट्स हैं। तो ऑयल पूरा गरम होने के बाद आँच को मीडियम कर दें और उसके बाद दो दो करके फ्राई करें, ओवर क्राउड ना करें। फ्राई करते टाइम जब भी ओवर क्राउड करते हैं तो वो चीज़ें क्रिस्पी नहीं होती हैं, वो नरम हो जाती हैं या फिर उसके अंदर तेल चला जाता है और फिर वो टेस्ट नहीं रह जाता है। इसके अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि ये चारों तरफ से लेई से बिल्कुल सील हो गई हैं। इन्हें मीडियम आँच पर लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। बहुत ही खूबसूरती से ये फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे स्प्रिंग रोल बने हैं। आप भी इन्हें बनाकर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली और जब आप ये बनाएं तो मेरे माई किचन माई डिश के पेज के ऊपर इन्हें पोस्ट करें। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।